आज हम बात कर रहे हैं MI 11 Lite के बारे में, जो रिलीज़ होने वाला है इंडिया में 25 जून को, और इसकी कीमत जो है लो वेरिएंट की रखी गई है अराउंड 22,000। देखते हैं क्या ये फ़ोन अपनी कीमत जस्टिफाई करता है, क्या इसके फीचर्स इतने कैपेबल हैं कि हम इसकी कोई पर्सन इसके ऊपर 22,000 खर्च करने के लिए राजी होगा। तो देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी परफॉर्मेंस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारा MI 11 Lite, और आपको यहाँ पर 6.5 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिलने को वाली है। साथ में आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। जो कलर डेप्थ है वो अराउंड 10 bit कलर डेप्थ है, और हाईएस्ट पीक जो जाती है ब्राइटनेस की वो जाती है 800 nits, और आपको फ्रंट पे कोरिंग ग्लास की प्रोटेक्शन, गोरिल्ला 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। बात करें स्पेसिफिकेशन में, तो स्पेसिफिकेशन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 732G, और इसको आप पेयरिंग कर सकते हैं 6GB और 8GB रैम के साथ। रोम इसके अंदर आपको मिलेगा 128GB का, जो बेस होगा UFS 2.2 में, और यहाँ आपको 4250mAh की बैटरी मिलेगी जो सपोर्ट करेगी 33W फास्ट चार्जिंग को। साथ ही पीछे की तरफ कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको फ्रंट की तरफ मिलता है 16 MP का कैमरा, और पीछे की तरफ हमको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें 64 MP का वाइड कैमरा होगा, 5 MP का मैक्रो और 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा। वेट मैंने आपको बताया इसका होता है 157 ग्राम, और यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लिम स्लॉट मिलेगी नीचे की तरफ, यानी आप यानी हाइब्रिड का मतलब यहाँ आप या तो दो सिम एक साथ चला पाएंगे या फिर एक सिम एक मेमोरी कार्ड। नीचे अगर आपको माइक्रोफोन मिल जाएगा, टाइप सी USB मिल जाएगी, और स्पीकर देखने को मिल जाएगा। तो यानी यहाँ जो आपको जो है हेडफोन जैक के लिए टाइप सी USB ही चाहिए होगी। साइड में आपको पावर बटन मिल जाएगा जिसके ऊपर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर माउंट किया गया है, और आपको वॉल्यूम बटन मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ आपको टॉप माइक्रोफोन मिल जाएगा और एक आयर ब्लास्टर मिल जाएगा। तो इतना सब कुछ आपको मिल रहा है अराउंड 22,000 के अंदर। तो क्या आपको 22,000 इसमें लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? तो देखिए, बात करें इस पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट तो मिल रहा है, साथ में आपको स्नैपड्रैगन 732 मिल रहा है, और 6GB रैम मिल रही है। सेम स्पेसिफिकेशन आपको Poco X3 में भी देखने को मिल जाएगी, जहां अभी आपको स्नैपड्रैगन 732G ही मिलेगा, और वहां आपको अराउंड 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ MI 11 Lite में आपको 4250mAh की बैटरी मिलती है, वहीं आपको Poco X3 में 5150mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि 22,000, तो यानी जो फीचर हमें 15,000 के मोबाइल के अंदर मिल रहे हैं, वही फीचर आपको यहां पर 22,000 के मोबाइल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है आपको यहां पर 22,000 स्पेंड करना चाहिए MI 11 Lite पे। हाँ, इसका जो कैमरा सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है। आपको पीछे तरफ जो वाइड माइक्रोस और अल्ट्रा वाइड दिए हैं वो काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं, 5 MP और 8 MP, लेकिन वहीं Poco X3 में आपको 4 कैमरा सेटअप मिल जाता है 48 MP एंड 22 MP के साथ। तो अगर आप फोटोग्राफी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, आपको अच्छे कैमरा चाहिए, तो आप MI 11 Lite को यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो Poco X3 काफ़ी बेहतर है MI 11 Lite से। इससे भी अच्छा ये है कि आप 19,000 में आने वाला Poco X3 PRO ले सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छी बैटरी के साथ साथ स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर मिलेगा। यानी अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो आपको कम से कम स्नैपड्रैगन 860 के साथ जाना चाहिए, वो आपको बेस्ट वैल्यू ऑफर कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता, अगर आप गेमर हैं और आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, तो आपको MI 11 Lite के साथ नहीं जाना चाहिए। इससे अच्छा आप Poco X3 PRO के साथ जाएं। लेकिन अगर आप फ़ैन हैं लाइट वेट के, स्लिक डिज़ाइन के, अच्छे कैमरा प्रेफरेंस के, तो ही आप MI 11 Lite को प्रेफरेंस कर सकते हैं। अदरवाइज परफॉर्मेंस के मामले में ये Poco X3 और Poco X3 PRO से काफ़ी पीछे है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको MI Lite के ऊपर 22,000 रुपये खर्चने की ज़रूरत है। इससे अच्छा आप कोई भी और ब्रांड का फ़ोन ले सकते हैं, या शोमी या MI के पोको ब्रांड्स ले सकते हैं, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।